सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल एन आई करेक्शन। गाइस कैसे हो? आई होप कि गाइस सब बढ़िया होंगे हमेशा। तो आज की वीडियो का थंबनेल देखकर पता लगा लो कि आज की वीडियो का किस टॉपिक के ऊपर होने वाली। आज की वीडियो का कैमरा के ऊपर होने वाले। तो आज का इंस्टाग्राम में पोस्ट की काफ़ी डिमांड आई थी कि भाई इस फोटो का ट्यूटोरियल लेके आओ, तो मैं आपके लिए लेकर आया। जो भी हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम फॉलो किया चल गए बैठा वीडियो। तो ठीक है, सबसे पहले आपको पिक्सल ओपन करना होगा। मैंने पहले से अगर पिक्सल ओपन किया हूँ तो पिक्सल ओपन करने बाद आपको सिंपल मॉडल का फोटो लगा मैंने पहले से लिया हूँ उसका भी। तो चल गया फटाफट से मॉडल होगा कटआउट करता हूँ उसके लगा। कटआउट में जाएंगे, कटआउट में जाने के बाद सिंपल मॉडल के साइड का ऐसे आउटलाइन बना लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, इतना करने के बाद आउटलाइन बनाकर सिंपल राइट क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा आता तो ऑटोमेटिकली एरिया सेलेक्ट कर लेगा। जहाँ जहाँ बच गया तो वहाँ पर गाइस सिंपली पेंट कर लेंगे। ठीक है, पूरा एरियाज करेंगे, रबर टूल पर देंगे, हार्डनेस को 100% रखेंगे, फोटो को जूम करेंगे, सिंपली गाइस बैकग्राउंड को गाइस रिमूव करेंगे। तो चलिए फटाफट से रिमूव कर लेते हैं बैकग्राउंड को। ठीक है, सिंपली अगर मॉडल का बैकग्राउंड अपन रिमूव कर लेगा काफ़ी टाइम ना गाइस मॉडल का फोटो बैकग्राउंड इरेज करने लगे। सिंपली अपने अच्छे से बैकग्राउंड को इरेज कर लिया तो उसके लिए सिंपली ड्रॉ टूल में जाएंगे, इनका थ्री डॉट पर जाएगा फोटो को सेव इमेज कर लेंगे। तो इतना काम तो अपना हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपली बैकग्राउंड ओपन करेंगे। ठीक है, सिंपली अपने बैकग्राउंड ओपन कर लिया। अपने बैकग्राउंड ओपन करने के बाद क्या करेंगे सिंपली मॉडल को अपने बैकग्राउंड रिमूव किया ना तो मॉडल लेंगे। तो क्या ये है मॉडल सिंपली का यहाँ उसको का यहाँ पर रखेंगे सिंपली। एंड गाइस एक कैमरा का पीएनजी है तो उस पीएनजी को गाइस सिंपली पीएनजी को लेंगे। तो गाइस ये है वो पीएनजी, तो पीएनजी लेने के बाद क्या करेंगे सिंपली पीएनजी को रोटेट करेंगे। एंड गाइस थोड़ा सा ऊपर करेंगे, पीएनजी को छोटा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ज़्यादा बड़े भी नहीं गए ताकि फेंक लगने लगे। तो आई थिंक इतना कर ठीक है गाइस। एंड गाइस सिंपली पीएनजी की ओपेसिटी को गाइस कम करेंगे तो 38% रखेंगे, रबर पे जाएंगे, एंड गाइस हार्डनेस का 100% करेंगे, फोटो को जूम करेंगे गाइस जो जो कैमरा का गाइस पार्ट है ना तो सिंपली गाइस रिमूव कर लेंगे। तो ठीक है, हार्डनेस को फिर से 100% रखेंगे एंड गाइस राइट क्लिक करेंगे। तो इतना काम तो अपना हो गया। तो क्या करेंगे सिंपली का पाँव में गाइस शैडो बनाएंगे तो उसके लिए एड फोटो में जाएंगे। तो गाइस मेरे पास शैडो गाइस पहले से पड़ी हुई तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो सिंपली गाइस इसको पाँव के नीचे रखेंगे एंड गाइस ब्लेंड में लगेगा इसको ओवरले कर लेंगे। ठीक है, ओवरले कर लेंगे सिंपली एंड राइट क्लिक। फिर से का ये पेंजी का दोबारा लेंगे एंड ये वाला पाँव पर रखेंगे एंड राइट क्लिक डन। सिंपली का फोटो सेव करेंगे डॉट रूम में, टेबल पर सेव इमेज कर लेंगे। तो बाकी की एडिटिंग का सब लाइट रूम के अंदर करेंगे। चले गए फटाफट लाइट रूम को ओपन कर लेते हैं। तो ठीक है, सिंपली का लाइट रूम के अपन फोटो है ओपन कर लिया। तो क्या करेंगे सिंपली का कलर में जाएंगे। ठीक है, कलर में जाएंगे, मिक्स में जाएंगे। मिक्स में जाने के बाद क्या करेंगे सिंपली ब्लू टोन पर जाएंगे, ब्लू को का थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 600 की बढ़ाएंगे, लूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे देन फिर आएंगे सेकंड वाला आइकन में, वो भी को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे
ठीक है गाइस, फिर डन क्लिक एंड आएंगे अगले वाला आइकन में। क्लियरिटी को अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे 10% एंड डी एस को अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, विग्नेट को अगर थोड़ा सा माइनस करेंगे हल्का सा 10% माइनस करेंगे, मूवमेंट को अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस ये बिफोर देन गाइस आफ्टर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आज की वीडियो इतनी का, तब तक जय हिंद।